तो गाइस गाड़ी की तलाश कर रहे हैं, आरएन यादव की गाड़ी मिल चुकी है हमें। इसमें टोटल लग्जरी सीट्स है, शुक्रवार को देखनी है। देखनी क्या, पीछे से व्यू लेते हैं ना टोटल। गाइस ये डीसी की गाड़ी है, हालत इसकी बहुत खराब है। वो रहा चाचा, ये नाच रहा है तो अंदर खुलवा रहे हैं। रुक जाओ यार, वाओ यार, कमिंग आउटसाइड। गाइस सब्बे के बाहर ही खड़े हैं, ऑर्डर आने में काफी टाइम लग रहा है। कौन से थे पंडित जी के फोटो वाला की किस्त? एक नंबर है भाई, फोटोग्राफी में तो भाई का टैलेंट है, कुछ भी कहो। एक तो यार ये लोग लंबे और ऊपर और चढ़ गए हैं इस पे। भाई नीचे खड़े हो यार तुम, ऊंट बिना सरदार हुए भी लंबे। तो भाई तुम लोग नीचे खड़े हो यार, मैं ऊपर खड़ा होता हूं। नीचे खड़े हो यार आप, ठीक है थोड़े लेवल के लग रहे हो। बड़ा भाई और नहीं तो क्या, एक जल्दी राउंड मार दिया। लाइट तक कम थी जो इसने जला ली अपनी फोकस। तो भाई तुम फोकस में आ रहे हो ना इसमें इस टाइम? हम तो वैसे ही ठीक है भाई। क्यों अलग ही पांडा भाई इज आउट ऑफ फेस भाई, अलग ही चमक रहा है तू। ये तो घर से कोई नहा के नहीं आया तो लाइट लगा दो उसके मुंह पे। तो खाना है क्या कुछ? पंडित बन जाते हो क्या? नहीं नहीं, फिर मतलब पंडित थोड़ी ना है। अरे पंडित नहीं कह रहा हूँ, मतलब पंडित तो यही है बस। नहीं नहीं ऐसा कुछ, पंडित जी नहीं रखते व्रत। पूरे सालों साल बिना व्रत के चलने दो। क्यों, एक सही बताइए, कितने साल से व्रत नहीं किया तूने? आज तक नहीं रखा जब से पैदा हुआ है? पहले तो रखे हैं, फिर व्रत इसलिए नहीं, पहले कुछ करने के लिए खुद के शरीर के लिए रखना चाहिए। पहले बस उसके लिए रखे हैं। काई बीवी के लिए? अरे कटेंगे बेटा, बीवी के लिए व्रत रख लिए होते तो आज बीवी अच्छी मिलती तुम्हें। अरे बहुत तो चली गई है, अच्छी थी वो। सही बता, बहुत अच्छी है। कहाँ है अब? अरे भाई उसका ऑर्डर जैसी उसको उसने हाथ दिया भग गया। कार्ड आने वाला है अब जल्द सबके पास। सही बताओ, यस 5-6 साल में ऑन कैमरा बोल रहे हो? ऑन कैमरा 5-6 साल में आ जाएगा कार्ड। इतना टाइम है शादी में यार, ज्यादा से ज्यादा मान लो 1-2 साल। इस गाड़ी का टूर करते हैं। तू बोलता रहा, बोल बोल क्या कह रहा है? भाई ये गाड़ी देखिए कितनी अच्छी गाड़ी है, पर कोई मतलब नहीं है कि चाचा के पास है। चाचा इसमें कुछ कर नहीं पाता है, अपने वो दिया अपन इसमें करवाते। पहले तो ब्लैक शीशे फिर अंदर काले काम। क्या वो ऑर्डर नहीं आया अभी तेरा? अरे भाई गाड़ी स्टार्ट कर रहा है, भाई को चाबी लगाना आती है। गाइस आपने कल वाले ब्लॉग में दिखा होगा इसको गाड़ी चलानी नहीं आती, VW मतलब टोयोटा चला लेता है। क्या पीछे? हां पीछे नहीं हुई, लाइट नहीं हुई, स्टार्ट से होती है। इंजन चालू करियो, तुम्हें पता ही नहीं, मैं बोल रहा हूं इंजन इंजन इंजन। गाइस हम बैठ चुके हैं इस लग्जरी कार में, लाइट वाइट चालू करो चाचा इसकी। वाओ गाइस ये लाइट है, सीट की व्यवस्था है, टीवी कैसे ऑन होता है? अरे बंद करियो इसमें तो यार, बढ़िया सी सेटिंग है। चाचा आज ड्राइवर वाला फील नहीं आता, सही बता। कुछ देखो पीछे जा रही है। बंद करियो गेट, बंद करियो एक बार गेट बंद करना पंडित जी। अरे मजदूरी कर रहा है तू, टॉप क्लास व्यवस्था। अच्छा जी कहां किससे बोल रहे हो? ड्राइवर और अगले पास। हां एक पास जैसा ड्राइवर और अगले पास की गाड़ी की टेंशन नहीं मारो। वो जो टेढ़ी हो गई है गाड़ी, नई सीट रिक्लाइन हो रही है। अरे गेट तो बंद कर एक बार, इतनी देर चालू रहेगी वो भाई। ऐसा सा माहौल है इसके अंदर का, बंद कर दी इन्हें। चलो बंद कर देते हैं इसको। तो गाइस लौंडे तैयार हैं गाड़ी में, कहाँ जा रहे हैं सर आप? आपकी आपकी गाड़ी देखकर लग रहा है बहुत बड़े रईस हैं, पर लगा आप खगी रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? साफी वाला आदमी खगी नहीं होता, कमीन। अच्छा ऐसा है क्या? एक दिन खेत में ले जाके टांग दे। गाड़ी चालू करियो चाचा। गाइस गाड़ी ऑन करवाते हैं, चलो उनको पीछे बैठ ऑन कर लो यार गाड़ी। बैग वैग रख दूंगा पीछे? नहीं यार प्रोटीन भी होगा, इसको नीचे रख दूँ इधर। हाँ हाँ प्रोटीन पी लो। लाइट वाइट ऑन कर लो ऊपर से, इधर से बटन दबाओ लाइट वाला। हाँ भाई अभी ये लग्जरी का फील लेंगे और हम इनके ड्राइवरों का फील लेंगे। चलो सब पे चल रहा है बराबर में। तो गाइस अब हम पीछे आ चुके हैं सीट पे। सीयर भाई कैसी लग रही है गाड़ी? बढ़िया बढ़िया जी, बोला स्टेप मजेदार है। गाइस इसमें कैमरा भी लगा हुआ है, आप आगे का व्यू देख सकते हैं। हालांकि कैमरा थोड़ा टेढ़ा हो गया है,
गाड़ी तो कंफर्टेबल अच्छा ड्राइवर नहीं है अपने पास, थोड़ी क्या झटके दे रहे हैं अपने को, सिखाना पड़ेगा अपने को कैसे चलाते हैं गाड़ी। वैसे आप बताइए क्या रोज घूमने के लिए सही है वैसे, चलो चलते हैं इससे सफर करते हैं थोड़ा बहुत, आज बकचोदी करते हैं फिर अपनी गाड़ी वापस जाते हैं, क्योंकि मजा नहीं आ रहा बेचारे दो लौंडे आगे बैठे हैं, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं तो फील ठीक है। ठीक है अगर चवर चवर पालतू चौधर पास भी नहीं इंग्लिश। हाँ ये तो है, गेटअप तो है यार। चलो किसी दिन इसकी गाड़ी रख लेंगे ये वाली, उसको पोलो दे देंगे, ड्राइवर आएगा उसी दिन करेंगे इससे कुछ इन्जॉय। तो गाइस गाड़ी का मजा ले लिया है, कुछ गवार लोगों को साइको नहीं है भाई, कुछ गवार लोगों को हॉर्न मारने की बहुत गंदी आदत होती है, यही इन पर स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर होती तो अपने आप आदमी साइड दे देता है इन्हें। साफी वाले लौंडे वापस तैयार हो चुके हैं कॉफी पीने के लिए, तैयारी में तो ऐसे जा रहा है पता नहीं लड़ाई वड़ाई करने वाला, पर ये पिएगा 20 रुपए वाली कॉफी। गए उधर भाई थोड़ा पर्सनल शॉपिंग के लिए गए हुए हैं, 30 की हो गई, चलो 30 की और भी पीते हैं। तो भाई नेस्कैफे पे फिर से आ चुके हैं, ये पता नहीं सीजर भाई जब भी देखते हैं हमें उसका हाथ पीछे ही रहता है, रिफ्लेक्टर वाली जैकेट पहनी हुई है, पीछे से करवा गया हुआ है कॉफी लेने के लिए। देखो देखो बातें करते हैं बरिस्ता की, पीते हैं नेस्कैफे पे, नहीं करते भाई बरिस्ता की बातें नहीं करते क्या भाई, ज्यादा बड़ा वो है मार्केट कैप। अच्छा बरिस्ता से अच्छी कॉफी है मतलब इसकी, अच्छी नहीं मार्केट कैप बड़ा है, बड़ी कंपनी अच्छी भी है, ये तो सही कह रहा है, अच्छी है अच्छी है अच्छी है। पंडित जी पता नहीं जब बनाते हैं 250 रुपए की कॉफी पिला के, मैंने तभी तो हम पी रहे हैं। मैंने एक चीज नोटिस करी है, तुमने करी क्या? क्या ये पंडित जी जब भी ऐसे बैठते हैं इनका हाथ पीछे ही रहता है, पता नहीं क्यों, बहुत बार मैंने देख लिया ये इस पोजीशन में रहते हैं, चलो इसको कॉफी पीने देते हैं, इसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, और भाई का हाथ भी हम चाहते हैं कि जल्दी से आगे आ जाए, तो इस ब्लॉग को अभी थोड़ा होल्ड कर देते हैं। ठीक है सीजर भाई बाय बाय, जा रहे हो तुम? नहीं नहीं अब नहीं जा रहा है, ठीक है भाई। तो आज अलविदा करते हैं सब लोगों को, आराम से लो, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, खत्म करते हैं बात हो गई है पूरी, फिर मैं आऊंगा, फिर तू आया जब भी लगेगी, वो लग गई यार नहीं लगती कुछ भी कर लो, क्यों नहीं लग रही, काम करना नहीं नहीं चलो इस ब्लॉग को खत्म करते हैं और निकलते हैं।